आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चीनी का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। मीठा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है अगर खाने से मीठे की मात्रा हटा ली जाए, आपके भोजन से चीनी को पूरी तरह से गायब कर दिया जाए, तो शरीर पर किस तरह के बदलाव होंगे? नहीं सोचा तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि अगर आप आने वाले एक महीने तक चीनी को अलविदा कह देते हैं तो इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अनेकों बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला, त्वचा। आपकी त्वचा पर इसका स्पष्ट नज़र आता है। वह स्वस्थ और चमकदार तो बनेगी ही, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर गड्ढे या खुले छिद्र हैं तो वो भी गायब हो जाएंगे। आप चाहे जितनी क्रीम, लोशन या अन्य दवाइयाँ उपयोग कर लीजिए, सबसे बेहतरीन असर आपको चीनी छोड़ने के बाद ही मिलेगा। नंबर दो, आराम की नींद। मीठा ज़्यादा खा लेने की वजह से नींद भी सही से नहीं आती। आपने खुद ये नोटिस किया होगा, जिस रात आप मीठा ज़्यादा खा लेते हैं उस रात नींद आने में परेशानी होती है, कई बार स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इसलिए आपको मीठा कम से कम ही खाना चाहिए। नंबर तीन, वजन का कम होना। मीठा छोड़ने से वजन तो कम होता है, साथ ही साथ दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। चौथा, याददाश्त। मीठा छोड़ने के बाद आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाता है, आपके बोलचाल का तरीका प्रभावी होता है और आप सामने वाले की बात बड़ी आसानी से और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। नंबर पाँच, झुर्रियों से मुक्ति। वे लोग जो अपने भोजन में मीठे की मात्रा कम रखते हैं, उनके चेहरे पर उम्र की परछाई बहुत देर से पड़ती है। ज़्यादा चीनी खाने से चेहरे की त्वचा में सूजन आने लगती है। आपका चेहरा झुर्रियों से मुक्ति तभी रहेगा जब आप मीठा खाने की आदत को कम कर देंगे। छठा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बस आपको एक बार अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए राजी करना है कि अब आप मीठा नहीं खाएंगे। आप खुद देखेंगे कि किस तरह आप संक्रमण और अन्य बीमारियों से खुद को बचा लेते हैं। नंबर सात, स्वस्थ दांत। मीठा छोड़ने के बाद ना सिर्फ आपको मानसिक रूप से सुकून मिलता है, बल्कि आपके दांत एवं मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मीठा खाने के तुरंत बाद कभी भी ब्रश नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। आठवां, जोड़ों के दर्द से मुक्ति। अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है तो एक बार आप चीनी को छोड़कर देखिए, आपको फर्क अपने आप दिखने लगेगा। नौवां, मधुमेह से बचाओ। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसे चीनी रोग भी या शुगर की बीमारी भी कहते हैं, मीठे की मात्रा कम रखने से आप मधुमेह से बच सकते हैं। अगर कभी भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप मेवे खाकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, दसवां, आपकी आंतें अच्छी तरीके से काम करने लगती है। जब आप अपने खाने से मीठा हटा लेते हैं तो खाना ना सिर्फ आसानी से पचता है, बल्कि वह आपके शरीर को भी लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये जानकारी? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने के लिए कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।